हम जानते हैं कि राधा जिसकी भक्ति करती है वो कृष्ण के उस कृष्ण के प्रेजेंस के बावजूद भी, उपस्थिति के बावजूद भी है, हम इंसान किस तरह से पेश आते हैं। लेकिन यहां जानना चाहिए कि अगर हम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि राधा सिर्फ गोकुल में थी। राधा का अस्तित्व महाभारत चरित्र में कहीं भी नहीं आता। तो बहुत लोग कहते हैं कि वो वाला कृष्ण अलग होगा और ये वाला कृष्ण अलग होगा। आज तो संशोधन के रूप में, रिसर्च में हम लोग कुछ भी बात बकते सकते रहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि गोपाल कृष्ण नाम का कृष्ण अलग होगा जो गोकुल में रहता था जिसके साथ राधा थी, और ये महाभारत का गीता कहने वाला कृष्ण और भी अलग होगा। सही बात है नहीं। जो सही भक्त है वो जानता है दोनों एक ही है, लेकिन उनके साथ के लोग अलग है। गोकुल जो है ऐसा प्रांत है, ऐसा विभाग है, ऐसा प्रदेश है कि जहां भक्त रहते हैं, और महाभारत ऐसा है जहां अभक्त रहते हैं। एक भक्त भूमि है, एक प्रेम भूमि है, एक भक्ति भूमि है, एक अभक्ति की नास्तिकता की भूमि है, अन्याय की भूमि है। भगवान वही है, लोग बदले, इसके कारण पूरा चरित्र बदला, इसके कारण सारी घटनाएं बदली, इसीलिए परिणाम बदले। गोकुल हमेशा के लिए चिरंतन हो गया ब्रजभूमि में, आज भी है वैसे ही है, सभी गोकुल उसके साथ रहते। और यहां रणभूमि बन गई, संहार हो गया, एक ही कन्हैया, उसकी एक ही राधा। लेकिन एक जगह जहां भक्ति भूमि है वही राधा रहती है, उसकी सीमा के बाहर राधा जी को अस्तित्व ही नहीं है, वो अपना अस्तित्व रखना ही नहीं चाहती। यानी जब हम भक्ति नहीं करते भाई, विश्वास नहीं रखते उस पर, तब हम कहां रहते हैं? कुरुक्षेत्र में रहते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं कितने भी पापी क्यों ना हो, हम लोग कहां रहते हैं? गोकुल के आसपास रहते हैं। वहां भी शायद सहार हो सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कि सबका सब कुछ चला गया और जो शत्रु थे उनकी दया पर जीना पड़ा, ये तो कभी नहीं होगा। क्योंकि हम अगर राधा की सीमा के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, उसे छोड़कर बहुत दूर जाना चाहते हैं, तो कहां जाए पहुंचेंगे? कुरुक्षेत्र पर, रणभूमि पर, संहार भूमि पर, जहां संहार ही संहार है, ऐसी भूमि पर। इसीलिए इस क्षमा रूपिणी राधा को हम देखे तो कहां सिर्फ गोकुल में, लेकिन हम चाहते हैं हमारा वास्तव रहे कुरुक्षेत्र में और राधा हमारे लिए सब कुछ करे, तो राधा वहां कभी भी आती नहीं। वहां अकेले कृष्ण भगवान आते हैं विकराल रूप लेकर।